गरीब और मेधावी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 फरवरी को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का सोमवार को लखनऊ से वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। उसके बाद 16 फरवरी से क्लास शुरू कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए मंडलायुक्त जैन तार्लिकर ने बताया कि अभ्युदय योजना की सफलता के संचालन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंडलायुक्त जैन तार्लिकर ने कहा कि मंडल में कुल 25,000 छात्रों ने कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें काउंसलिंग के बाद चयनित छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सभी कोर्स YouTube चैनल पर लोड किया जाएगा, जिससे अन्य स्टूडेंट को भी लाभ मिल सके। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह, SPCT सोनम कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जैन नार्लिकर ने कहा, हमारा इस पूरी योजना के इम्प्लीमेंटेशन में उस पर बहुत ध्यान है। IAS PCS परीक्षा की तैयारी और ये सर्विसेज हैं क्या, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है कि सिविल सर्विसेज में कम से कम 14 से 21 तक की सर्विसेज होती हैं, सिर्फ IAS की नहीं होता है। IAS से लेके बहुत सारी ग्रुप ए की सर्विसेज हैं और कई बार लोगों का इंटरेस्ट उन सर्विसेज में भी होता है। रेलवे की 3-4 सर्विसेज रहती हैं, डिफेंस अकाउंट्स रहती है, रेवेन्यू सर्विसेज रहती हैं, कस्टम भी है, तो उसके बारे में बताना। तो 16 को हम प्रारंभ सिविल सर्विसेज और AOC साहब से हमने बात की है, क्योंकि हमारा एयरफोर्स भी है यहाँ पर, एयरफोर्स स्टेशन है, और आर्म फोर्सेस की भी जो परीक्षाएं हैं उनके बारे में इनिशियल क्या हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्या स्कीम ऑफ थिंग है, उस पर भी हम बात करेंगे। नाम आए हैं और मुझे लगता है करीब 170 नाम मिले। जेईई पहलू बहुत इम्पोर्टेंट है। एक यदि मेरिट है बच्चे की, छात्र या छात्रा की, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। और इंटरव्यू के लिए, यानी उन लोग प्रिलिमिनरी मेंस का तैयारी तो हो चुका लगभग लग रहा है, इंटरव्यू के लिए 1993 बच्चे अपने केवल इंटरव्यू के लिए सहयोग मांगे हैं। फिर NDA परीक्षा के लिए 458 बच्चे ने सहयोग मांगा है। CDS परीक्षा के लिए 2113 बच्चे सहयोग मांगा है। JEE के लिए 931 बच्चे चाहते हैं। नीट परीक्षा के लिए 2208 बच्चे हमें सहयोग चाह रहे थे, बच्चे आदर्श कैटेगरी में सहयोग चाह रहे थे। देखिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शासन के निर्देश के क्रम में कल माननीय मुख्यमंत्री जी इसको शुभारंभ करेंगे, और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का यदि हम आरंभ देखें तो जब कोविड संक्रमण से पूरा देश अग्रसर जूझ रहा था और उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं जो कोटा में थे, दिल्ली में थे, बेंगलोर में थे और स्पेशली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन छात्रों को जब उनकी घर वापसी हुई और उनको जो वहां पर दिक्कतें हो रही थी, उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य था जिसने अपने छात्रों को वापस लाने के लिए पहल की थी और उनको सुव्यवस्थित तरीके से वापस लाया गया। और उस समय ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हो गए थे कि हमें कुछ ऐसी संरचना, ऐसा मॉडल प्लेस करना है जिसमें इन छात्रों को इनके घर के पास के जनपद में ही, या तो इनके जनपद में या इनके आसपास के जनपद में ही हम इनकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद कर सकें। और यहाँ से उत्तर प्रदेश का जो रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट सर्विसेज में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसमें और बढ़ सके। और इस हेतु तब से ये काम चल रहा था और अब इसका कल जब शुभारंभ होना है तो कई चीज़ें इसमें मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के नाम से ये जो स्कीम है इसके कई कंपोनेंट होंगे। नंबर 1, प्रतियोगी परीक्षाओं में सिविल सर्विसेज, जिससे IAS, IPS और अन्य जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं वो आती हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो ऑल इंडिया सर्विस का ही पार्ट है वो आएगी। इसके अलावा आर्म फोर्सेस की सर्विसेज जो NDA और CDS है वो आएगी, और इस तरह बैंकिंग सर्विसेज और हम और भी सर्विसेज को इसमें जोड़ेंगे। इसका कैसे हम इसको, इसका पाठ दान होगा, अध्यापन कैसे होगा, उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक स्मार्ट क्लासेस होंगी जिसमें कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन में उनका एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग हुई है और उस स्क्रीनिंग से क्लियर किए हुए जो छात्र छात्राएं हैं उनको हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में उनको हम सहयोग करेंगे डिफरेंट सर्विसेज की तैयारी में।
गोरखपुर मंडल मुख्यालय गोरखपुर में बहुत सारे अधिकारी हमारे IAS, IPS और फॉरेस्ट सर्विस के हैं, जिसमें नवागत अधिकारीगण भी हैं, प्रोबेशनर भी हैं, और हम एक पैनल बनाएंगे जो डिफरेंट सर्विसेज की स्कीम क्या है, डिफरेंट सर्विसेज का पैटर्न क्या होता है, उनका प्रमोशन होके वो कहाँ तक जाते हैं, स्केल सिस्टम क्या है, उनकी जो परीक्षा है उसका प्रारूप क्या है, उसकी संरचना क्या है, और इसके अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय और MMTU से हमने सब्जेक्ट के भी पैनल एक्सपर्ट्स के बनाए हैं, जिससे कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी भी तैयारी हम इन प्रतिभागियों की करा सकें। इसके साथ साथ गोरखपुर जनपद में ये कार्य पहले से जिलाधिकारी गोरखपुर और उनकी टीम कर रही थी, और उसमें स्टडी सेंटर, कई छात्र ऐसे होते हैं जिनको उनके घर में मेरिटोरियस है बट घर में वो माहौल नहीं मिल पाता है किसी वजह से, और हम प्रयास करेंगे कि एक स्टडी सेंटर हो जहाँ पर पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर अवेलेबल हो, वो अपनी किताब ला के वहाँ पर पढ़ सकें, और इसके साथ साथ एक पुस्तकालय की भी पहल की गई है जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो वहाँ पर उपस्थित अवेलेबल रहेंगी, और उनका भी ज्ञानार्जन हमारे विद्यार्थी और प्रतिभागी जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रतिभागी हैं वो कर पाएंगे। सो ये कुछ पहलू हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह 10 बजे लखनऊ से इसका शुभारंभ करेंगे, 5 मंडलों के प्रतिभागी छात्र छात्राओं से उनका संवाद भी होगा, और उसके बाद 16 तारीख को जो वसंत पंचमी का शुभ दिन है, माँ शारदा की वंदन और पूजन के साथ हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। गोरखपुर मंडल के जो संवाद करेंगे उसमें हम लोग टोटल 5 लोग रखेंगे, जिसमें कि 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पैनल रहेंगे और 2 से 3 विद्यार्थी लग रहे हैं। सर कितने रजिस्ट्रेशन कराए आपका? इसमें लगभग जो लेटेस्ट संख्या हम लोग को पता चली है क्योंकि रात में ही चल रहा था, करीब 25,000 लोगों ने गोरखपुर मंडल से रजिस्ट्रेशन कराया है, और उसमें विभिन्न सब्जेक्ट और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो लिस्ट आई है वो लगभग 1100 के आसपास अभी तक हमें मिली है। लेकिन इसमें मैं एक बिंदु और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि हम ऑनलाइन मोड में भी ये चलाएंगे, यूट्यूब चैनल पर भी आप अपलोड करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि यदि कोई प्रतियोगी प्रतिभागी परीक्षा का प्रतिभागी है और वो कुछ सीखना चाहता है या उसको कुछ एक्सपोजर चाहिए तो वो ऑनलाइन मोड में भी चीज़ों से सीख सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं रहेगी। सर कितने सेंटर बने हैं गोरखपुर में? अभी हम लोगों ने जो प्रयास किया है, हमने MMTU में 4 स्मार्ट क्लासेस चिन्हित की हैं और गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी 4 की हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर IAS PCS परीक्षा का जो केंद्र समाज कल्याण विभाग में बना हुआ है, करीब 8 करोड़ की राशि सिटकों ने बनाया है, वो भी रेडी है, और उसको हम अतिशीघ्र फर्नीचर और उपकरणों के साथ मैन पावर के साथ सुसज्जित करके उसको भी हम शुभारंभ करेंगे, और वो भी एक नोडल पॉइंट होगा इस पूरे योजना का।